encompassing terms. What a lot of people understand by stroke is a person having suffered stroke is probably incapacitated for life, is not able to move one or his other limbs, is not able to speak, or maybe have some other significant disabilities. Apart from these major aspects of stroke, there are certain strokes which are far more common, far minor strokes, where people before they suffer a major one have warnings, which are often known as transient ischemic attacks or persistent deficits, which are not very significant. Now, the brain is such that it has got a lot of neural plasticity. That is, it can, some parts of the brain can take over the functions which have been lost by either significant rehabilitative work or by training the brain to take over those functions. But that doesn't happen all the time. One has to recognize that the brain cells once lost will not regenerate, and it is for the other cells of the brain to take over those functions. And all the brain cells have been usually designated to perform certain tasks, and to take over a task of another brain cell is not easy, and even with training becomes very difficult. So keeping this in perspective, the best way to deal with stroke is not to let it happen at all and try to prevent it. Or if it is not prevented, to be able to catch it in time before the damage becomes irreversible. With these two tenets, if we work on the stroke, we'll probably have a good outcome, and it will not be as dreaded a disease as it is today. Amuman log chal paate hain, thoda support chahiye hota hai, thoda sa unko pehle physical support kisi aadmi ka, kisi vyakti ka, phir unko शायद किसी पोस्ट्स का, स्टिक्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेसेस का सपोर्ट के साथ में आप चल पाते हैं. उनको हम से कंप्यूटर कंट्रोल्ड ब्रेसेस भी अवेलेबल हैं आजकल, जो उनको काफ़ी हेल्प करते हैं. तो इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम टू वॉक, एम्बुलेट एज फास्ट एज गुड जैसे वो पहले करता था, बट अपने काम करने लायक चलना वो ज़रूर सीख सकता है दोबारा से, और विद लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट ही कैन डू इट, स्पेशली विद द न्यूअर टेक्नोलॉजीज दैट आर अवेलेबल टू अस, जो उनको लेग को सपोर्ट कर लेती हैं, ब्रेस कर लेती हैं, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन दे पाती हैं उनके सहारे से. विद इन हिज लिमिटेशंस, जितना जल्दी वो अपना काम शुरू कर सके, कुछ काम शुरू कर सके, उसको कर देना चाहिए. और जैसे जैसे उसके लिमिटेशंस कम होते चले जाएं, रिकवरी पैटर्न होता चला जाए, वो उतना काम और अपना बढ़ा सकता है. हाँ, कुछ लोगों को ऐसा है जैसे कि फिज़िकल काम ज़्यादा करना पड़ता है, मैकेनिकल काम करना पड़ता है, दोनों हाथों से काम करना पड़ता है, फाइन काम करना पड़ता है, शायद वो काम ना कर सके तो उसको अपना वोकेशन या काम का तरीका या काम को बदलना पड़ता है. ये नहीं करना चाहिए कि हमको ये काम नहीं कर सकते तो हमको काम ही नहीं करना है. मोमेंट ही स्टार्ट्स गोइंग एंड डूइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वर्क विद इन हिज लिमिटेशंस, प्रॉबेबली हिज रिकवरी पैटर्न्स, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हिज कॉग्निटिव फंक्शंस, इस डिप्रेशन एक्सेट्रा, वो बहुत जल्दी और बहुत बेहतर ठीक हो जाते हैं. जब शुरू में मरीज़ को स्ट्रोक होता है और वो इस बात को जान ले रहा है कि उसको कुछ कमज़ोरी आ गई है, तो पहला तो वो सोचता है ये रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी. और क्योंकि शुरुआत में कुछ रिकवरी होती भी है तो उनको काफ़ी होप लगती है, बट जैसे जैसे समय बीतता है और वो रिकवर नहीं करते हैं, उस समय डिप्रेशन सेट इन करता है और पेशेंट अपनी रिकवरी की मोटिवेशन खो देता है. इस स्थिति में हमें उसको मेंटली स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ये मोटिवेट करना कि ये थोड़ी डेफिसिट है, तुम इसको ओवरकम कर सकते हो, तुम मेहनत करोगे तो इसके यू कैन वर्क अराउंड इट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम ये सब करते हैं और स्पेशली हम उनको उन लोगों को दिखाते हैं, मिलाते हैं जो कि स्ट्रोक सफरर्स हैं और जिन्होंने अपनी डेफिसिट को ओवरकम किया है, और उसके बाद वो दे मूव्ड ऑन इन लाइफ एंड आर मेकिंग अ वेरी यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, तो उनका मोटिवेशन डेफिनेटली और बढ़ता है. कभी कभी हमें फार्माकोलॉजिकल हेल्प, ड्रग्स का हेल्प लेना पड़ता है टू कम्बैट देयर डिप्रेशन, टू कम्बैट देयर लैक ऑफ यू नो मोटिवेशन, और देयर और व्हाट दे फील इज दैट दे कैन नॉट डू एनीथिंग टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस. तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल स्किल्स एंड मेडिसिनल स्किल्स विच हैव टू गेट देम बैक ऑन द रोड. जिनको स्ट्रोक हो चुका होता है उनको हर तरह के लाइफ स्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, ब्रीदिंग, वो सब करना चाहिए.
अपनी दवाइयाँ रेगुलरली लेनी चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड्स का कंट्रोल रखना चाहिए, अपने लिवर फंक्शंस, किडनी फंक्शंस को ठीक रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर लाइफस्टाइल ठीक रहता है तो स्ट्रोक के इंसिडेंसेस डेफिनेटली घटाए जा सकते हैं।